केंद्र सरकार की चिट्ठी नूं लैके किसान जथेबंधियां की मीटिंग हुई है साडे नाल सांझा किसान मोर्चा दे आगू डॉक्टर दर्शनपाल ने उन्होंने गलबात करदे आ सर चिट्ठी का तुसीं की मतलब कढ़िया की सरकार उलझाउण की कोशिश सी सरकार की हाँ हाँ सानूं इह लग्गिया कि सरकार ने बेलोड़ा चिट्ठी दे विच पुरानियां डेटां दे के उस ते ना होया फिर 9 तरीक नूं प्रपोजल भेजियां तुसीं उहदा डिटेल जवाब नहीं दित्ता साढ़े फिर लोगों ने यूनैनिमसली सोचा भी यह तो कोई गल नहीं आप इन्नी बारी वर्बली भी उन्होंने कहा हाँ लास्ट टाइम भी उन्होंने कहता सी दो शब्दों से कह चुके हैं कानून रद्द करो हूँ ये बार बार समझा के कहना भी इसलिए रद्द करो सानूं ठीक नहीं लग्या सो इस करके असी चिट्ठी का फिर दो टुके ही जवाब दिता कि तिना कानून के संबंध यही है कि इन्हों जो अब प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब दिता है कि लिखती तौर पर भी सरकार को भेजा भेजा अज थोड़ा जा हाथ ना लिखे कल टाइप करके कल मैं मेल करता सरकार मैं ये दसो कि तुम जथेबंधियां की चाहते हैं कि सरकार हूँ इन्हों कानून रिपील कर चिट्ठी के लिख के भेजे कि उस संबंधी तुम गलबात जाओगे उस तो घट के भी नहीं नैचुरली जो सरकार बुलाऊगी देखो गलबात जाने कोई सू फर्ज नहीं है लेकिन गलबात वो भी ब्रेक अगर हो जानी है जिसे अपील वाली कोई गल नहीं होगी तो वह फैसला सरकार नहीं पता एक्सरसाइज फ्यूटाइल एक्सरसाइज होगी सर सरकार बार बार जथेबंधियों ये भी कह रही है कि तुम यस और नो तो अगे वधो गलबात तो ही हो सकेगी नहीं नहीं गलबात असं इन्नी बार तो कर चुके हूँ कोई नव गलबात देखो गलबात दे विच कोई वड्डा तो है नहीं छोटे छोटे तीन कानून ने तीन कानून दे विच उन्होंने मद्दां ने वो कल्ली कल्ली दे उत्ते असीं गल कर चुके वो गल करके असीं कहता भी ये कानूनां नूं रद्द करना चाहिए असीं कंस्टीट्यूशन भी उहदी जिहड़ी वैलिडिटी आ उहदे ते भी सवाल उठाए हुए सो इस करके मैं लगता बार बार सरकार ये क्यों कर रही सरकार असल जिहड़ी आ उहदी ये कह लो कि वो नीयत ठीक नहीं है वो ठीक किसानी मतलब के किसानों के जोड़े सेंटीमेंट्स ने इन्होंने समझ नहीं रही खराब करते हैं पर तुम लगता है कि सरकार हूँ जो इस तरीके सिर्फ बार बार अमेंडमेंट की गल कह रही है तो एक तरह के नाले अंदोलन एक तरह के परख भी रही है कि किन्ना क लंबा ये चलते हैं किन्ना क सबर रख रही है नैचुरली सरकार असल च अपनी प्रजा के जोड़े इमोशन ने समझनिया चाहिए ने परजा भी दिल्ली दिया बरूहों से कैपीटल के आले दुआले आके बैठी है तो सरकार वैसे खुला दिल दिखा के कर देना चाहिए भी ठीक है असं रद्द करते हैं सर महीना होने वाला है तो कि देश के होर हिस्सों तो भी क्योंकि असी तुसी जिवें दस्या गया कि महाराष्ट्र तो भी वड्डी गिणती च किसान इत्थे पहुँच रहे हैं देश के किहड़े किहड़े हिस्सों तो होर किसान इत्थे आए हाँ देखो वड्डे वड्डे प्रोग्राम हो रहे हैं कल बांद्रा कुर्ला कंपलैक्स के वड्डे प्रोग्राम हुए हैं अडानी अंबानी के दफ्तर देखे महाराष्ट्र तो वड्डी गिणती च लोग पहुँच रहे हैं शाहजहांपुर इस तरह यूपी उत्तराखंड तो गाजीपुर बॉर्डर से पहुँच रहे हैं इस तरह बाकी बंगाल बिहार महाराष्ट्र तेलंगाना तमिलनाडु वगैरह सब जगह वड्डे वड्डे प्रोग्राम हो रहे हैं तो लोग पक्के मोर्चे ला के बैठ रहे हैं वक् वक् थावां ते एक सर तुसीं दस्सो कि जिहड़े 25 तरीक तो लैके 27 तक हरियाणा दे विच टोल प्लाजियां दा बंद करन दा कि जिहड़ियां पंजाब दी जथेबंदियां ने वह भी नाल मिल के जिहड़े ने टोल प्लाजियां दे उत्थे बंद करवाउणगियां नहीं नहीं मैनूं लगदा हरियाणा दे लोक इनफ एफिशिएंट ते कैपेबल ने वो कर लेंगे पंजाब के लोगों की लोड़ नहीं है सद्दा ही देना सी एक बार सद्दा दिता गया तो हरियाणे दे विच तां काफ़ी लोगों के जोश है हरियाणे के लोग वड्डे पैमाने पर मैदान च आ रहे हैं तो किसान अंदोलन है जिहड़ा आप जिन्हों कह लो स्पॉन्टेनिटी वाल जा रहा तो ये जो काफ़ी वड्डी आम जनता जिहड़ी अभय चौटाला उन्होंने बयान से अज मीडिया के आया हुआ वो कहते हैं कि जोड़ा ये हरियाणा की सरकार ते लोगों सीधे तौर पर हूँ जो पंजाब के लोग इतने आए हुए हैं उन्होंने को एस वाई एल की गल करनी चाहिए नहीं तो जो बॉर्डर ने हरियाणे के उन्होंने लिए बंद कर देने चाहिए ने सप्लाई बंद कर देनी चाहिए हाँ अभय चौटाला का बहुत जो बयान मैं भी पढ़िया ये बहुत गैर जिम्मेवार बयान है वह हरियाणे के लोग किसानों के तीन कानून करके इतने आ रहे हैं इस किस्म की जी डोका हरियाणे तो पंजाब के किसानों के अंदर तीन कानूनों के खिलाफ जी एकता बनी हुई है उन्होंने इस किस्म डाइवर्ट करना यह ठीक नहीं है हाकम पहले करते हैं उन्होंने असं निखेधी करते हैं सर जो अब जवाब है उस तो यह मनिया जाए कि जथेबंधियां अपने स्टैंड से उस तरह कायम ने कि तुम कानून रद्द करो उस तो बिच विचाले की कोई गलबात जी जथेबंधियों बिल्कुल भी मंजूर नहीं बिल्कुल उत्थे ही कायम है कोई बिच विचाले का कोई रस्ता नहीं बहुत बहुत धन्यवाद सर इस डॉक्टर दर्शनपाल जिन्हों का कहना है कि चिट्ठी च कोई नवी गल नहीं है अज विचार हुई है एक दिन छड़ के चिट्ठी ते विचार इसलिए की गई क्योंकि देश च कुल 40 जथेबंधियां ने देश की उन्होंने जथेबंधियों ने गलबात करनी सी इसलिए समा लग्या अज विचार हुई है तो साफ तौर पर क्लीयर किया गया कि चिट्ठी के कुछ भी नवा नहीं है सरकार जथेबंधियों उलझाने की कोशिश कर रही है इसलिए वो जी गलबात लैके इस अगे वधन वाले नहीं ने सरकार इन्हां खेती कानूनों रद्द करे साडे नाल किसान आगू अनंद मौला जी ने उन्होंने गलबात करदे अज्ज प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौजूद सन सर सर जो चिट्ठी आई है क्या आपको लगता है कि वो सिर्फ किसानों के आंदोलन को तारपीटो करने की कोशिश है नई बात कुछ भी नहीं है बस उसमें कुछ नहीं है
एक शब्द नया नहीं है। 5 दिसंबर जो बताया था सरकार, सेकेंड फोर्थ चार दफा वो सरकार वही बात को दोहराया है, अमित शाह भी वही बात को दोहराया है, उसमें एक भी नया शब्द नहीं है। और तो डिग्रेड कर रहे हैं, पहले तो सेक्रेटरी चिट्ठी देता था, अभी ज्वाइंट सेक्रेटरी दिया, इसके बाद शायद अगले बार क्लार्क भेजेगा। किसान आंदोलन को सरकार कितना इज्जत दे रहा है ये तो चिट्ठी का स्टैंड ही मालूम पड़ता है। मगर चिट्ठी में कोई चेंज नहीं है, एक शब्द नया नहीं है, इसलिए हम बोला जो एजेंडा दो। हम बार बार कह रहे 7 महीना हम एजेंडा को बात कर रहे हैं, 7 महीना सरकार एजेंडा में नहीं आने के तैयार है, वो जबरदस्ती अपना बात कहते हैं। अरे हम तुम्हारे गुलाम है क्या, तुम जो बोलेंगे हम बैठे सुनोगे, हमारा एजेंडा है। सरकार ने एक ये बात बोली कि आप लोगों को भी यस और नो से आगे बढ़ना चाहिए, वो तो एजेंडा है ना। हम जो एजेंडा बोला 3 कानून को वापस लो, एजेंडा करो, फिर बैठो, एजेंडा कितना हो सकता कितना नहीं हो सकता, किस तरह हो सकता, क्या इसमें के कर सकता, तो एजेंडा तो हमारा वही होना चाहिए ना, उसके एजेंडा भी नहीं ले रहा है। अब तक की जो मीटिंगें हुई हैं उस मीटिंग में आपको लगा कुछ भी कि सरकार इनको वापस लेने की सरकार की नीयत है, या आपको लगता है कि सिर्फ अमेंडमेंट से ही आप लोगों को घुमाने की सरकार हमको टाइम वेस्ट करके थकाना चाहता है, ये किसान थक के आंदोलन टूट जाएगा, ये सरकार का मंशा है, वो समाधान करना उसका मंशा नहीं है। अभी जो चिट्ठी है इसका आप लिखित जवाब देंगे? वो लिखित जवाब दे दिया ना, पढ़ दिया, वही भेजेंगे आप सरकार को। तो आप फ्यूचर में क्या देख रहे हैं आप इस आंदोलन की आगे? आंदोलन को हम जारी रखना है कि आंदोलन के सामने, क्योंकि सुनो किसान 60% वोटर भी है जी। किसान सिर्फ अन्नदाता नहीं है जी। सरकार बनाने में सबसे बड़ा भूमिका है, किसान के साथ गद्दारी करेगा तो किसान भी समय में बदला ले सकता है। आप ये बताइए कि कितने यहाँ पे कितने स्टेट से लोग अभी तक यहाँ आ चुके हैं और कहाँ कहाँ से अभी आ रहे हैं? नहीं, क्योंकि बार बार ये बोला जा रहा है कि पंजाब और हरियाणा के ही लोग हैं, ये झूठ है, ये भी मीडिया का मदद से कर रहा है। आज 8 तारीख भारत बंद हुआ, 30 करोड़ किसान भारत बंद किया, तो पंजाब हरियाणा से जाके किया ना, वहाँ का किसान किया। 9 तारीख जब जेल भरो हुआ, 600 जिला में करोड़ों किसान जेल भरो किया, वो पंजाब का किसान तो नहीं था। पंजाब का किसान लड़ाई के सामने है, मगर लड़ाई पूरा देश में हो रहा है, अपना अपना तरीका से लड़ाई हो रहा है, इसलिए ये लड़ाई चल रहा है, आने वाला दिन में लड़ाई चलेगा। हम तय किया था, हम सचेत रूप से, कि ट्रेन नहीं चल रहा है, ये किसान तो एरोप्लेन में नहीं आ सकता, गरीब लोग, तो इसलिए हम तय किया था 6 राज्यों जहाँ अपना साधन से आ सकता, साधन से ट्रैक्टर ट्रॉली में आ सकता, पंजाब हरियाणा पश्चिम उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और उसके बाद राजस्थान और मध्य प्रदेश, ये जो दिल्ली का इर्द गिर्द अपना गाड़ी से आ सकता 100-150-200 किलोमीटर, ये लोग दिल्ली चलो करेगा। और दिल्ली चलो के नाम पे हर राज्य 17 राज्य अपना अपना राजधानी में अपना अपना कलेक्टर में डेमोन्स्ट्रेशन कोई कर रहा है। बताइए कि जैसे पंजाब और हरियाणा के इलाकों में हमने देखा है कि जियो के टावर हटा रहे हैं, इसके अलावा जो उनके बड़े बड़े जो उनके गोदाम है उनको घेर रहे हैं, क्या देश के बाकी राज्यों में भी ऐसी चीजें चल रही हैं? हो रहा है पूरा देश में, क्योंकि इस कानून का बेनिफिट अदानी अंबानी को जा रहा है। अदानी अंबानी ऑलरेडी गोडाउन बना लिया, अभी भराना है, ये कानून से वो भरेगा करोड़ों मुनाफा कमाने के लिए। 20 लाख करोड़ का कृषि बाजार है, उसका नज़र उसमें है, तो इसलिए वो जो है वो उसको खिलाफ कैंपेन करना, ये पहले बार हिंदुस्तान में हो रहा है, ये कॉरपोरेट के खिलाफ किसान ने उतारा है उसका जो प्रोडक्ट्स है, जैसा एग्रीकल्चर फॉर्च्यून प्रोडक्ट्स है, उसके खिलाफ लोग को बोलो हम उसके दुकान के सामने खड़ा होकर पिकेटिंग करेंगे, मॉल की ये लुटेरा है, इसके सामान मत खरीद करो। उसका किस तरीके का इफेक्ट पड़ रहा है अभी तक 1 महीने में? हाँ? वो जो कर रहे हैं आप लोग उसका कितना इफेक्ट? बहुत जगह कम होने लगा है, बहुत जगह जियो तो फोन कर रहा है, आप क्यों हमको चला जा रहा है, हम तो अदानी का साथ कोई संबंध नहीं है, टेलीफोन आ रहा है सारे लोगों के पास जो जो बॉयकॉट कर रहा है, तो ये बढ़ेगा, तो इसलिए इसको बढ़ेगा जब, तो ये जो टारगेट करना है यही लोग लुटेरा है, मोदी इसको एजेंट के रूप में ये लूट में मदद कर रहा है, ये जो पानी है ये पानी घर घर पहुँच रहा है। एक सर आखिरी सवाल के ये बोला गया कि महाराष्ट्र और बाकी हिस्सों से भी लोग आ रहे हैं, आने वाले दिनों में हम क्या माने कि कितने राज्यों से और कितनी गिनती में लोग यहाँ पहुँचे? राज दूर से कम ही आएगा प्रतिनिधि के रूप, महाराष्ट्र से 2000 चल के रहा काला के पहुँचेगा, गुजरात से 200-300 लोग आया है, हर राज्यों से 200-300-400 आएगा, मुख्य मोबिलेशन ये 6 राज्यों का होगा, और बाकी अपना अपना राज्यों में बड़े बड़े रैली, बड़े बड़े घेराव, डीएम कलेक्टर को घेराव, ये समस्त जो आंदोलन पूरा देश में चलेगा।
बहुत बहुत धन्यवाद साढ़े गलबात कर ली। सो किसान आगुओं का कहना है जी कि अंबानिया अडानिया के खिलाफ जो एक मुहिम बिंडी गई है उसका असर सिर्फ पंजाब तक सीमित नहीं है, देश के बाकी सूबों के भी इसे तरीके वे कारपोरेट घराणिया के खिलाफ एक लड़ाई किसान लड़ रहे हैं, तो अगे ये लड़ाई इसे तरीके जारी रहेगी। साझा किसान मोर्चा के आगू बलदेव सिंह सिरसा ने उन्होंने गलबात करते हैं। सिरसा साहब, चिट्ठी तुम सरकार की रिजैक्ट करती है, तुम्हें सरकार की नीयत से हाले भी पूरी तरह देना शक है? शक च कोई कमी है? हुण तक जिन्नियां भी गलबात हुई ने जिस तरह उन्हें चिट्ठी च 8 अक्तूबर का हवाला दिता, 13 अक्तूबर का हवाला दिता, वो हवाला देने लगे उन्होंने ये तो सोच लेना चाहिए सी भी 8 तरीक न कोई ना ही नहीं दिता भी गल कि करनी है, 13 तरीक न सू सद के तो वह तुरे फिरते हैं पंजाब के उन्होंने इस चिट्ठी लिखण का वह तुक ही बनता से। सो इतों तुम उन्होंने सियाणप उन्हों की बुद्धि का जोड़ा अंदाजा ला सकते। मानते हो कि चिट्ठी भी एक तरह अंदोलन प्रभावित करने की कोशिश? बिल्कुल, सानू किसानों बदनाम करने वास्ते भी सरकार तो किसानों गलबात करना चाहती है, तो किसान जड़े ने वो बजिद ने इस करके वो चिट्ठी जी सानू सिर्फ गुमराह साढ़े खिलाफ पंडी प्रचार करने। मैंने एक गल दसो कि जो तुहाडी लाइन क्लीयर है कि असी रद्द ही करवाना चाहते हैं तो फिर गलबात की संभावना कितनी रह जाती है? ये तो हुण गलबात जे सरकार भी मन चुकी है ये कानून गलत ने संशोधन करा लो, जो असं कहने भी संशोधन नहीं करा तो यह तो हम सरकार ने ही देखना, ये तो सरकार के जिम्मे फैसला सरकार ने करना ना कि असी। एक चिट्ठी बारे गल आई है कि गलबात अमित शाह एम एस पी लैके चर्चा हुई सी जे मीटिंग दे विच तुसी शामिल सी तो एम एस पी लैके सरकार ने तो फिर स्थिति उत्ते क्लीयर करती सी कि सारिया फसलों तो एम एस पी दे नहीं सकते, किस तरीके किस तरीके वेखते हो उस चीज़ में जो थोड़े मीटिंग चो गल मंजूर करते हैं तो एक वड्डी गल है उन्होंने तुसी किस तरीके? देखो सरकार की नीयत ते नीति जी बद है, वो कहें कुछ है कहते जी एम एस पी तो अं तोड़ी ही नहीं, तो जो तोड़ी नहीं तो फिर देने तैयार क्यों नहीं, कानून क्यों नहीं बनाते, वो आज वाधी क्यों आ गई, आ जड़ियाँ साढ़िया 6 मंगा ने ये वो गल नहीं सी होनी चाहिए। जे वो कहते हैं कि एम एस पी तोड़ी नहीं तो वह एम एस पी जी लागू कर देन तो फिर एक मंग तो घट जाएगी ना, वो एक पॉइंट एक घट जाएगा, पर उन्होंने नीयत तो नीति जी वो माड़ी आ, कहते कुछ ने करते कुछ। मैं ये दसो कि जो सरकार चिट्ठी के पहला वागू ही तुम्हें चिट्ठी लिख के भेजे कि तुम इन्ने समय से उत्थे विज्ञान भवन के मिलन आए हो, तुम चाहते हो कि सरकार उस चिट्ठी लिख के भेजे कि असी कानून रिपील करा फिर तुम जाने के लिए तैयार हो गए, नहीं तुम नहीं जाने लिए तैयार? देखो वो चिट्ठी जदों भी आएगी वो किस किस्म की चिट्ठी आँदी है वो तो साड़ी विचार हो वो विचार करके देखा भी ये किमें की लिखा फिर उत्ते विचार करके जाना जा ना जाना वो मीटिंग तो बाद फैसला। सरकार दे विच वार वार भी चर्चा सरकार वालों भी बयान आता है कि तुसी भी यस और नो तो अगे नहीं बढ़ रहे, असं उही पूछ रहे हैं कि कोई संभावना है यस और नो तो अगे जाने? ये यस नो की गल नहीं हैगी, ये कोई साडा अड़ियल वतीरा नहीं है, असी तो जिहड़ियां गल्लां वो खुद मन चुके ने असं तो उस गल देते हैं, वो कहिंदे संशोधन करा लो, असी संशोधन नहीं करवाना चाहते तो क्यों अड़े हुए ने, अड़ी तो सरकार है असी थोड़ा अड़े हुए, असी नहीं अड़े। तुहानूं लगदा कि जे सरकार नूं होर भुलेखे ने दूर करन लई तुसी तैयार हो? हाँ जी, जे सरकार नूं होर भुलेखे ने कानून नूं लैके तो तुसी होर कमियां गणवाउण दे लई भी तैयार हो, क्योंकि सरकार वार वार जिक्र कर रही है कि साडे कोल जिहड़े मुद्दे चुके सी उन्हां बारे तो असी प्रस्ताव भेज चुके हां किसानां नूं। देखो ये गल्लां पहलां हो चुकियां ने, वार वार उन्हां गल्लां नूं करन दा कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं, वार वार वो गल्लां करन दा कोई फायदा नहीं, आ जदों उन्होंने खुद मन लिया कि हाँ ठीक है ये जिहड़े कानून ने ये तुहाडे हक च नहीं हैगे असीं संशोधन कर दिंदे आ, जे कानून गलत ने जे सही ने तो फिर वह संशोधन क्यों करते हैं, तो जे संशोधन करते हैं इहदा मतलब गलत ने तो रद्द क्यों नहीं करते? हुण तक अंदोलन का तुम किवें चल रहे हो, किवें चल रहा अंदोलन तो कितों कितों किहड़े किहड़े सूबिआं तो हुण तक लोग इत्थे पहुँच रहे? जिवें पीसी दस्सिया गया कि महाराष्ट्र तो वड्डी गिणती च लोग आ रहे। महाराष्ट्र तो भी मैनूं फोन आ रहे ने, नागपुर तो फोन आए ने, वड्डा जथा आ रहा और कल नूं बहुत वड्डा जथा चल रहा, छत्तीसगढ़ तो मैनूं फोन आ रहे ने, रायपुर दुर्ग भलई तो उतों भी जथा जिहड़ा आ रहा फोन आ रहे ने भी असीं अंकल जी तैयारी कर रहे हैं क्योंकि उत्थे मेरा फार्म भी है, तो बहुत सारे लोगों के नाल ट्रांसपोर्टरां नाल किसानां दे नाल जिहड़े साडे हरियाणे चों भी किसान उत्थे गए ने, छत्तीसगढ़ के जिहड़े किसान ने क्योंकि मेरे बेटे का उत्थे कारोबार काफ़ी है तो वह बहुत सारा जदों जाईदा बहुत लोगों नाल संपर्क हुंदा और फिर हुण साडियां इत्थे जिहड़ियां कारगुजारी साडी वेख रहे ने तो वह फोन कर रहे ने भी असीं परवाह ना करो असीं बहुत वड्डी गिणती च आ रहे हैं। तुसीं पिछले दिन सद्दा दित्ता सी कि शहीदी जोड़ मेल असीं इस वारी इत्थे मनावांगे, तुसीं किन्ना क लोकां दा जिहड़ा इह तुहानूं किन्ना क रिस्पोंस आ रहा है ते एक की लगता है कि फतेहगढ़ साहब के उत्ते संगत घट होकर इतने वध संगत आएगी या लगता है कि किस तरीके का असर तुसीं देखिआ? तुसीं देखो इतों जिद्दन दे असीं आए हाँ गुरु नानक पातशाह का आगमन पुरब आया वो मनाया कि सरदा भावना
गुरु तेग बहादुर पातशाह का शहीद जोड़ मेला आया वो सरदा भावना मना कि गिनती च लोग से अज असी वड्डे साहबजाद का शहीद दिहाड़ा मनाया और कि सरदा भावना ना एक बजे तक जरा किस तरह पाठ हुए ने कीर्तन होया कथा विचार हुई ने इस तरह असी जड़ा इस छोटे साहबजाद का भी जड़ा उन्होंने ये नाटक भी जड़े ने बाबा बंदा सिंह बहादुर का जड़ा वो शुरू तो लैके अंत तक जरा उन्हों का जीवन जड़ा वो जन्म तो लैके शहादत तक वो संबंध में नाटक भी जड़ा सो ये सारा कुछ बड़ी वड्डी पद्धर से चल रहा और लोगों लोग किड़ा हुंगारा जड़ा वो तुसी वेख रहे हो। मैं रिएक्शन चाहूँगा अभय चौटाला का बयान सीगा कि जिहड़े एस वाई एल जब तक पानी नहीं मिलता तो हरियाणा जिहड़े पंजाब दे नाल बॉर्डर है वो बंद कर देने चाहिए जिहड़ी सप्लाई आ रही है वो भी सरकार नूं रोक देनी चाहिए वो तुसी किवें देख रहे हो? ये भी एक सरकार दे विच पुरजे ने वैसे तो इन्हों का वजूद कोई है नहीं वो बीजेपी घट गिणती सी उन्हां दी लोड़ सी इन्हां नूं लैणा जिस करके ये जिहड़ा सी इन्हां दी सरकार दे विच शमूलियत है तो ये अपने नंबर बनाउण वास्ते कर रहे हैं सरकार दी बोली केंद्र सरकार दी बोली बोल रहे जदों कि इन्हां दा अपना कोई इन्ना वजूद नहीं हैगा तो ये सरकार दे तोते ने विच हिस्सेदार ने बोल रहे ने पर हरियाणे का जिहड़ा किसान है वो की कह रहा वो कहिंदा इस टाइम ते साढ़े सामने एस वाई एल का मुद्दा नहीं इस टाइम ते साढ़े सामने जिहड़ी जिहड़ियां जमीनां ने वो बचाउणा मुद्दा है इस करके ये कोई गल्लां जिहड़ियां ने ये स्टंटबाजियां इस तरह दियां लोग इहो जिहे राजनीतिक बयानां नूं कुछ नहीं समझते रद्द कर दिओ। डिंपल साहब का वीडियो वायरल होया है महिला पत्रकार नाल बदसलूकी उन्होंने की है वह बारे तुसीं की कहोगे तुहानूं लगता है कि एक एम पी नूं इस तरीके का वतीरा करना? देखो एम पी नूं लखां लोगों ने चुनिया इन्हां लोगों ने जिहड़ा वो कानून घड़ने जे कानून दे घाड़े एक औरत दे नाल इस तरह करन ते वो ठीक नहीं मैं उहदी निंदा करदा ते डिंपे नूं इह गल कहिंदा कि डिंपा जी उस लड़की तो तुहाडी माफ़ी मंगनी बहुत जरूरी है क्योंकि साडा सिद्धांत है छोटी धी बराबर दी भैण ते वड्डी माँ तुहानूं पता है कि 2 तरीक दसंबर दी रात नूं जदों लड़कियां गलत हर मतलब कि जिहड़ियां सी वो इत्थे सोच लै के आईयां सी उहनां ते पुछगिछ कीती ते मैं छड्डतीआं सी उहदे छड्डण तों बाद मेरे ते कमेंट किस तरह लोगों ने किए मैनू उन्हों कमेंटा की परवाह नहीं पर मैं इस गलते बहुत संतुष्ट हाँ मैं खुश हाँ कि उन्होंने लड़कियों मैं अपन बच्चिया का मानता उन्हों का जीवन कुछ भी है मैं नहीं उस जीवन तो लेना कुछ साढ़ा जी माफ़ी मांग लेनी चाहिए बिल्कुल डिंपल माफ़ी बहुत बहुत धन्यवाद ये सन बलदीप सिंह सिरसा जिन्हों का कहना है कि सरकार जी है वो जो मीटिंग गल्लां हुई उस तो अगे बढ़ने देर नहीं नज़र नहीं आ रही इसलिए जथेबंदियां ने जी अपना जवाब लिखित तौर पर जो है सरकार को भेजने की तैयारी कर ली है तो सरकार को लैके उन्होंने साफ कहा है कि सरकार अगे वधे तो इन्हां खेती कानूनों को वापस लवे उस तो घट किसानों की कोई मंग जी है वो नहीं है। किसान आगू संदीप गिड्डे जी साडे नाल ने महाराष्ट्र तो ने वो भी इत्थे मौजूद ने संदीप जी जो चिट्ठी आई है वो चिट्ठी आपको लगता है कि पुरानी बातें नया कुछ भी नहीं है उसको रिजेक्ट कर दिया गया है? बहुत देखिए बॉटल वही लेबल खाली उसने बदला जो चर्चा हुई थी दो टुक में चर्चा हुई थी यस और नो तक चर्चा आई थी फिर भी गुमराह करने के लिए सरकार ने चिट्ठी भेजी और उसने ये प्रस्ताव दिया कि कुछ 2-4 मुद्दों के ऊपर हम संशोधन के लिए तैयार है। सरकार ऐसे देशवासियों को दिखाना चाहती है कि देखिए ये हम किसानों के सामने कितना यह कर रहे हैं कितने इनिशिएटिव ले रहे हैं चिट्ठी पे चिट्ठी भेज रहे हैं लेकिन कुछ भी नहीं है। जितनी बातें हुई चिट्ठी में जो आई है वही सब बातें विज्ञान भवन की चर्चा में ऑलरेडी हो चुकी है। 1 तारीख की बैठक में हो चुकी है 3 तारीख की बैठक में हो चुकी है 5 तारीख की बैठक में हो चुकी है। सरकार फिर से वही दोहरा रही है कि कुछ संशोधन संशोधन की बात। हमने उनको बताया ये काले कानून कैसे है हमने 39 पॉइंट्स के ऊपर उनको ऑलरेडी बताया है कि इतने खामियां है फिर से खामियों के ऊपर चर्चा क्यों करें? तो सरकार ने कड़ी नियत ना भेजी चिट्ठी? सरकार देखिए उनका डिसीजन मेकर तो अदानी अंबानी है ये सरकार जो बैठी है जो नकली वाली सरकार है असली इनके मालिक जो है वो अदानी अंबानी राज कर रहे हैं। अदानी अंबानी जब तक इनको नहीं बताते तब तक इसमें कुछ होने वाला नहीं। इसके लिए आज के बैठक में हमने फिर से दोहराया कि अदानी अंबानी के प्रोडक्ट को बायकॉट करें और आज जो चिट्ठी उनको लिखी है फिर से हमने उनको याद दिलाया है हमारा जो लड़ाई है ये लड़ाई है तीनों काले कानून वापस लेने के लिए है
एमएसपी गारंटी कानून बनाने के लिए है। ये चिट्ठी आई है उनमें एमएसपी का तो कोई जिक्र ही नहीं किया गया, खाली लिखित में दे दी गई। हमने कानून की मांग की है, पराली के ऊपर उन्होंने ठोस ऐसा कुछ योजना नहीं बताई है। बिजली संशोधन के बिल के बारे में भी जो सब्सिडी अभी जो खत्म होने वाली है उसके बारे में कुछ जिक्र नहीं किया है, तो उस हिसाब से हमने आज चिट्ठी लिखी है। दूसरा ऐसा है कि एक भ्रम फैलाया जा रहा है सरकार की तरफ से, ये कोई पॉलिटिकल दुश्मनी हमारी सरकार से है तो बिल्कुल नहीं है। हम पीड़ित हैं और हम हमारी याचना लेके सरकार के पास आए हैं। आप डेमोक्रेसी में हमारा हक बनता है, आप हमारी सुनो, तो ये भी हमने वो चिट्ठी में लिखा है। और सरकारी और दरबारी लोग जो खाली लेटर हेड लेके वो संगठन चलाते हैं, इनके साथ में भी कुछ इनका पैरेलल मीटिंग वगैरह सरकार की चल रही है, तो सरकार को हमने फिर से याद दिलाया कि संयुक्त किसान मोर्चा की जो पहले दिन मतलब जो चंडीगढ़ में सभी एक हो गए, जो ऑल इंडिया किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी है, राष्ट्रीय किसान महासंघ है, सभी 30 संगठन पंजाब के है, बीके चंडूनी है हरियाणा के, ये सबका एक जब संयुक्त किसान मोर्चा बना तो ये आज तक एक ही है और एकजुटता है हमारी कायम है। तो सरकार किसान मोर्चा, संयुक्त किसान मोर्चा यस और नो तो अगे बात सकते सरकार, दो टुक की हमारी मांग है, आप बताइए आपके, हम चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन वो कानून अगर रद्द करने की बात करते हैं, एमएसपी गारंटी कानून रद्द लगाने की बात करते हैं, तो उस टाइम में सरकार इसके ठोस आश्वासन के साथ अगर आएगी तो हम कभी भी सरकार के लिए जाने के लिए चर्चा कर। मना करिए कि रिपील तो नहीं करांगे, वापस नहीं लवांगे। देखिए सरकार मना नहीं कर रही है, सरकार के मालिक सरकार को बता रही है जो अदानी अंबानी है। ये सरकार जब असली काम करना चालू होगी, सरकार को जब एहसास होगा हम ये देश के प्रधानमंत्री है, 150 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री है, इसका एहसास अगर मोदी जी को होगा ना, उस टाइम में सरकार हमारी जरूर सुनेगी। सरकार अभी ये सोच रही है कि वो खाली दो लोगों की प्रधानमंत्री है, अदानी और अंबानी की। आज किसान दिन है, सरकार तो इतने 14 करोड़ किसानों को किसान नहीं मानती, खाली दो लोगों को किसान मानती है। जब ये 14 करोड़ लोगों को किसान मानना शुरू करेगी ना, एक मिनट में सरकार मान जाएगी, ये रिपील करना जरूरी। महाराष्ट्र तो कितने किसान आ रहे थे? महाराष्ट्र में लगभग रास्ते में है, हम 400 किसानों के साथ 25 तारीख को आए थे, कुछ ठंड की वजह से वापस गए। अभी फिर से 2000 किसानों का जत्था आ रहा है जो शाहजहाँपुर बॉर्डर पर आएगा, दिल्ली जयपुर हाईवे पे। हमारे साथ में स्वाभिमानी शेतकरी संगठन, बड़ी राजा शेतकरी संगठन, पहार प्रहार शेतकरी, लगभग 15 संगठन जो है, तो महाराष्ट्र में जमीन लेवल के ऊपर भी उन्होंने एजिएशन आंदोलन को जारी रखा है। पंजाबराव पाटिल जी है जो कल आए हैं, उनको पैर को चोट है फिर भी वो इसमें है, इनका नाम ही पंजाब है और पंजाब के किसानों के साथ में। महाराष्ट्र से है? महाराष्ट्र से है। पाटिल जी आप बताइए, महाराष्ट्र से, जैसे पंजाब में अभी ये जो बड़े कॉर्पोरेट हैं उनके खिलाफ लोग संघर्ष कर रहे हैं, उनके जो बड़े बड़े गोदाम हैं उनको घेर रहे हैं, उनके टावर भी जियो के बंद करवा रहे हैं, ऐसी स्थिति महाराष्ट्र में है क्या? हाँ बिल्कुल वैसी है। कल बम्बई में बहुत बड़ा आंदोलन 2-4 संगठनों ने किया, अंबानी के घर के सामने किया, ऑफिस के सामने किया, बहुत बड़ा आंदोलन कल महाराष्ट्र में हो गया। और ऐसा ही हमारा उधर माहौल महाराष्ट्र में भी है, जब भारत बंद था आपने इधर के नारा दिया था, किसानों ने संगठनों ने दिया था, तब पूरा महाराष्ट्र उस दिन बंद था। हम लोग उधर मीटिंग करते हैं, सभा करते हैं, मोर्चा करते हैं और किसानों को समझ में आने देते हैं कि आंदोलन किस लिए चल रहा है। जो किसान मांगता नहीं वो सरकार दे रहे हैं, और जो किसान सरकार दे रहा है वो किसान लेने के लिए तैयार नहीं। एक कानून किसानों को बर्बाद करने वाला कानून है, इसलिए महाराष्ट्र में भी आंदोलन बहुत तेज से चल रहा है और भी ज़्यादा तेज में चलेगा। मैं सवाल ये करना चाहता हूँ कि सरकार कई बार ये बयान देते हैं कि सरकार के मंत्री के जो MSP का मुद्दा है वो पंजाब और हरियाणा के किसानों को MSP मिलती है, बाकी देश का तो किसानों को मिल नहीं रही, अब हम कॉरपोरेट के जरिए उन लोगों को मंडी दे रहे हैं। क्या महाराष्ट्र के किसानों को इस बात की समझ है कि उसके साथ सरकार शुरू से यह न्याय कर रही थी, अब नए कानून से और ज़्यादा बड़ा न्याय होगा? बिल्कुल महाराष्ट्र के किसान सहमत है, आपके इस आंदोलन के लिए समर्थन करते हैं, इसको बिल्कुल फायदा किसानों का नहीं होगा, उद्योगपतियों को खाली फायदा हो जाएगा, जो किसान मालूम हो गया किसानों को। स्थिति बताए हैं जो महाराष्ट्र के किसान हैं, किसी फसल पर आपको MSP मिलती है? जो सरकार ने 23 फसलें बताई हुई हैं उनमें से किसी फसल पे MSP मिलती है आप लोगों को? नहीं, MSP मिलती नहीं, और किसानों का जो MSP पर खरीदना होता है यहाँ पंजाब में मुझे मालूम नहीं, लेकिन गेहूँ का और धान का होता है ऐसा बोलते हैं, लेकिन हमारे महाराष्ट्र में सोयाबीन होता है, अलग अलग पीक होता है, मगर खरीदी केंद्र जो होता है वो बिल्कुल चालू नहीं करते, खाली पुकार जाहिर करते हैं कि MSP जाहिर करते हैं, लेकिन खरीदना नहीं। कौन है आपसे, कौन खरीदता, व्यापारी खरीदते हैं? हाँ वो व्यापारी होता है, वो MSP पे खरीद भी नहीं करता।
एमएसपी के बहुत नीचे खरीद करता है और झगड़ा होता है तभी भी होता नहीं, वैसा होता नहीं है। ठीक है, मतलब झगड़ा हो जाए तो कोई आपकी सुनवाई नहीं है? नहीं, हमने एक दो साल पहले सोयाबीन के ऊपर आंदोलन किया, मैं अनशन पर बैठा था और 10 दिन के बाद खरीद केंद्र उपलब्ध करके दिया, वो कितना बहुत तकलीफ के होने के बाद एक तालुका के लिए कर दिया, मैंने मांग थी महाराष्ट्र में चालू करो। वो सरकार के पास क्या होता है कि हमारे उधर गन्ना फैक्ट्री है उसको कभी बारदान कम होता नहीं, पैकेट जो होता है पैकिंग होता है उसको कभी कम नहीं पड़ता, लेकिन जब ये खरीदना चाहते ना तब उनके पास बारदान नहीं है, वो बोलता है ना आपको पैकिंग नहीं है, गोदाम नहीं है, ऐसा कुछ कुछ बोल के वो टाल देता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे सर उन सरकार के उन लोगों को जो बार बार ये बात बोल रहे हैं कि यहाँ पे तो ज़्यादातर किसान पंजाब के ही हैं, थोड़े बहुत हरियाणा के हैं, उनको आप क्या जवाब देना चाहेंगे कि कहाँ कहाँ के देश के कौन कौन हिस्सों से किसान यहाँ पहुँच चुके हैं सपोर्ट कर रहे हैं कानूनों के खिलाफ? हाँ, बहुत अभी बरोत हमारे महाराष्ट्र में जो संगठन है वो पूरे से पूरे संगठन एक कानून के खिलाफ काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि खुद प्रधान मोदी जी ने इसमें ध्यान देकर जल्दी से जल्दी निर्णय लेना चाहिए, एक कानून वापस लेना चाहिए, जो बात करना है कानून वापस लेने के बाद, कानून वापस लेने के बाद जो बात करना है वो करिए, लेकिन पहले किसानों के जो अभी इतना बड़ा ठंडी है, मैं देख रहा हूँ कि इधर का माहौल मुझे बहुत, मुझे मराठी में बात करता हूँ मैं, लेकिन इधर आके देखकर मुझे बहुत ये हो गया कि जो काटे मोहर थे ना ऐसा दिख रहा है, इधर का जो लोग आए हैं खाना पीना क्या इधर लोग इंतजाम करते हैं और इतने ताकत से आए, इतना बड़ा आंदोलन मैंने आज तक कभी नहीं देखा था, लेकिन आज वो आंदोलन भी मुझे देखना का था, मैं 2 महीने से ये कानून के खिलाफ महाराष्ट्र में काम रहा हूँ। लगता है कि जितने बड़े स्तर पर लोग यहाँ पे आए हुए हैं और जितनी शिद्दत से वो लड़ रहे हैं तो क्या वो इन कानूनों को वापस करवा पाएंगे, आपको लगता है जो आपने अभी तक देखा है उससे आपको क्या लगा? बिल्कुल लगता है, इधर का माहौल देख के मैं पलवल कल 2-3 दिन उधर रखा था, आज इधर माहौल देखने के लिए आया था मैं सिंधु बॉर्डर पर, और इधर का माहौल देखने के बाद मैं खुद से विश्वास मुझे लगता है कि ये कानून वापस लेने के बगैर सरकार के पास कोई पर्याय नहीं रहेगा। पर आपको सरकार की नीयत कैसी लग रही है अभी तक, जो सरकार ने अभी तक जैसे बार बार मीटिंगें कर रही है उसके बाद चिट्ठियां भी भेज रही है, उससे आपको क्या लगता है? मैं अनुभव की और पुरानी बात आपको कहूंगा कि हमारे पश्चिम महाराष्ट्र में गन्ने की खेती बहुत होते हैं और गन्ने के बारे में हर साल हम आंदोलन उधर करते हैं और बड़ा आंदोलन हमारा गन्ने का होता है, ये बात है 2010-11 की बात है, तब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी पंत प्रधान थे और इतना बड़ा आंदोलन गन्ने का होता नहीं लेकिन बड़ा होता है हमारे उधर की तरफ से, वो बड़ा आंदोलन रहता है और हमारा आंदोलन चल रहा था कराड़ में, वो जो पृथ्वीराज चौहान CM थे तब, और कराड़ में आंदोलन हमारे डिस्ट्रिक्ट है उधर आंदोलन रहा था और उस आंदोलन के 3रे दिन बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उधर हमारे जो MP थे खासदार राज शेट्टी किसान संगठन चलाते उनको 3रे दिन दिल्ली में बुलाकर उनके साथ बातचीत किया था आंदोलन के बारे में, मगर यह ऐसा इतना बड़ा आंदोलन दिखता है कि हम उधर तभी रोड भी ऐसा कुछ जाम भी नहीं किया था, हम एक मैदान पर बैठे थे, फिर भी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने उनको बुला करके चर्चा की थी, लेकिन इधर इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है ठंडी में किसानों का अपना काम धंधा छोड़ कर इधर बैठे और अपना पंतप्रधान को एक शब्द भी निकालते नहीं, मुझे बहुत गुस्सा भी आता है और दर्द भी होता है। नाम जी सन पंजाब पाटिल जो कि महाराष्ट्र तो आए हुए किसान आगू ने, तो उनका कहना है कि इसी तरीके की जोड़ा संघर्ष का है, महाराष्ट्र के लोग भी लड़ रहे हैं तो वही गिणती च इन्ह अंदोलन के आके वो शामिल भी हो गए तो इस लड़ाई में भी पूरी अपनी शमूलियत जी देे। साझा किसान मोर्चा तो डॉक्टर सतनाम सिंह साढ़े मौजूद ने, सर चिट्ठी में लैके जथेबंदियों ने स्पष्ट करता है, थोड़ा लगता है कि सरकार जी उलझा की कोशिश करिए चिट्ठिया के जरिए? नहीं, सरकार तो सरकार की पहली नीति होंगी है लोगों झूठ मारना, लफाफेबाजी करना, इन्हों बहुत देता इन्हों होर देवे किसान ही खुशहाल करने, इन्हों साल आमदन दुगनी करनी वगैरह वगैरह, ये झूठ उन्हों का फलाप हो गया सारे हिंदुस्तान, हूँ मोदी दलों पर कोई यकीन नहीं करता, मुड़ के वह जात पात बनते योजना षडयंत्र करते भी उन्होंने फेल हो गए, हुण ते उन्हां दे कोल ऑप्शन कोई नहीं इन्हां नूं मन्नण तों बगैर। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਹੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਮਿਲਦੀ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਸਾਥੀ ਹੁਣ ਬੰਬੇ ਦਾ ਆਇਆ ਇਹ ਵੀ MSP ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਆਪਕੋ ਕਹਿਣੇ ਕੇ ਲੀਏ MSP ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, MSP ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਨ ਜਿਨ ਸਟੇਟੋਂ ਮੇਂ ਨਹੀਂ MSP
वो भी मंग कर रहे हैं, उड़ीसा वाले मंग कर रहे हैं, तमिलनाडु वाले मंग कर रहे हैं, केरला ने तो कर ही दिया, पहले जो MSP धान से पहले ही दे रहे हैं, उन्होंने 16 जड़िया वस्तुआं वा जिदे सब्जियां फल वगैरह आते उन्होंने उत्ते MSP जी लागू करती है, बहुत वड्डी गल की थी। पहली बार आया सारे देश दे विच, ये असल विच करना क्यों नहीं चाहते, ये फॉरन इन्वेस्टमेंट लिया चाहते हैं कि वो समझते हैं भी ये अड़चण ने कानून विच, ये कानून तोड़े जान, बाहरले पैसे इत्थे आवे, कारपोरेट इतों की कारपोरेट तो बाहरले कारपोरेट जिहड़े आ वो लोगों की लुट कर, लोगों की जमीन हड़पण उन्हों का मंतव है। जे बहुत असी दलील करते हैं फिर वो कहिंदे 17 लाख करोड़ रुपया लगता सानू 23 फसलों खरीदने लिए, मैं खेती मार रहा, मैं कहना चाहना कि वह 17 लाख दियाँ खरीद के मुड़ के वेचिया जांदियां ने, वो 15 लाख करोड़ दियाँ विक जांदियां ने, वह ऐ सच्ची। तो जे उन्होंने मैनुफैक्चर किया जाए, उहदे विच प्रोडक्टिविटी वधाई जाए, उन्होंने जेडे कारखाने लाए जा सारे के उत्ते, वीट के उत्ते रोटियां पकाने की लड़ ही नहीं, साड़िया भैनों पंजीरी बनाओ, वह कोई गां प्रोडक्ट बनाओ, मेज के प्रोडक्ट बनाओ, बाकियों के प्रोडक्ट बनाओ, सारे लोगों को रुजगार मिल सकता। ये 17 लाख करोड़ उन्हें हौआ बनाया वा, आ सारा अरब साढ़े को पहला वो कणक नहीं सी खाते, पहला वो दूजे चौल वगैरह ज होर उन्होंने से, हूँ वो कणक खाने लग पे, हूँ सारी दुनिया के सैकंड आ गई है वीट जी, चावल तो है ही है, पोटैटो से पहला फिर चावल आ गया, हूँ कणक जी तीसरे दूसरे स्थान पर आ गई है। सो ये बाहर एक्सपोर्ट की जा सकती जानबूझ के नहीं, दसो कि WTO का वार बार जिक्र आता है कि इस दे विच जिहड़े सरकार ने वड्डे पद्धर ते करार किए हुए ने वो एक सरकार दे लई एक मजबूरी ने, ते उन्हां ते दबाव ही सरकार जिहड़े ने वड्डे पद्धर ते विश्व पद्धर दीआं संस्थावां बना रहीआं ने, वो थोड़ा जिहा समझाओ कि वो संस्थावां दा दबाव पाउण दा की मकसद हुंदा है। नहीं वेखो WTO दा असीं सारीआं जथेबंदीआं एक मत हो के विरोध कीता सी भारत दे विच दाखल ना होवे, दुआला व्यापार करो, पाकिस्तान साढ़े लागे आ, चाइना लागे बहुत वड्डी आबादी आ, बंगलादेश आ, श्रीलंका वा, असी दुआला व्यापार करिए, जिहड़ी उन्हां नूं चीज़ चाहिए असी देईए, जिहड़ी उन्हां को चाहिए उन्हां को असी लईए। ये WTO साढ़े ते बड़ी वड्डी बार आ, ये 10% तक खड़दा वा भी बाहरों तुहानूं भावें तुहाडे कोल जिन्नी मर्जी गेहूं आ वीट आ तुहानूं इंपोर्ट करनी पैगी। तुहानूं लगदा कि जिहड़े वड्डे मुल्क ने अमेरिका या यूरोप के जिहड़े वड्डे मुल्क ने उन्हां दा इन्हां संस्थावां दे उत्ते दबाव हुंदा है, ते उन्हां दे जिहड़ियां वड्डियां बहु राष्ट्रीय कंपनियां होंदियां ने वो चाहुंदियां ने कि असी अपने उत्पाद जिहड़े ने भारत च वेचणे ने, इसलिए खेती नूं तुसीं साडे अंदर छड्डो। जिहड़ा WTO आ वो तो बगल बच्चा वा USA का, कभी जे कोई माड़ा मोटा वो विरोध च हो जाए कहिंदे ही WTO तो निकल जाना, जितना वो हैल्थ विचों कहिंदे है ना ही वो निकल जाना, उन्हां दा कभी कुछ करदे कभी कुछ करदे, इहदी वरतों करदे आ, IMF की वरतों करदे आ, वर्ल्ड बैंक की वरतों करदे आ, असल में सारा कुछ ना जिहड़ा किरती लोग आ जिहड़े हत्थीं काम करदे आ, भावें किसान आ, भावें लेबरर आ, भावें कोई छोटा वा, भावें कोई होर किरत करके रोटी कमाउंदा वा, उन्हां दे हक्कां ते छापा वा, असल च इह गल। एक मैनूं इह दस्सो कि खुराक सुरक्षा नूं लैके भी कहा जा रहा है कि जिहड़ी देश की खाद सुरक्षा है जेकर इह खेती कानून लागू हुंदे ने तां भविख दे विच उहदे लई इक बहुत वड्डा खतरा पैदा हो जाएगा देश की खुराक सुरक्षा। देखो इक बन्ने ते इहनां कानून बनाया वा राइट टू फूड, एक बन्ने उहदा मखौलंडा आ रहा, जदों तुसीं खरीद नहीं करनी, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ही फेल कर देना जां तैश नैश कर देना, जितना रोडवेज तैश नैश की ना सारे देश में, ट्रेना हुण देती प्राइवेट नो, सिक्ख्या दा बेड़ा गर्क करता, सेहत दा बेड़ा गर्क करता, इस तरह ये इधर भी जिहड़ा है बेड़ा ही गर्क करना चाहते हैं। इन्हों का असल च PDS जिहड़ा इको एक मसला वा, जे मैं ना मेरे हाथ च ताकत होए ना मैं रात को अनाउंसमेंट करा PDS सारिया खाण पीण दीआं वस्तां होर जरूरी वस्तां सरकार खरीदेगी, उन्हों मुड़ के सबसिडाइज करके अद्धे रेट ते आम लोगों को देगी। साढ़े विधान चंकत आ जिहड़ा फूड आर्टिकल उहदे च आउंदा वा कि 65% नूं तुसीं फ्री तक भी किया वा भी अनाज जिहड़ा दिओ, आ ते लोकां लड़ के 1 रुपये का चौल दो दी कणक लई आ, ये बहुत साढ़े पिता जी सारे जेलों च रहे जाके लागू हुई सी।
ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ MSP ਦਿਓ ਤੇ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਿਹਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਕਿ MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁਣ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ MSP ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਉਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਿਖਰ ਤੱਕ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, MSP ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ MSP ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਧ ਰੋੜਨਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਮਰੋ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਬਣੋ, ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਖੇਤਾਂ ਛੱਡੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਫਾਰਮ ਬਣਾਵੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਡਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। MSP ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਈ ਆ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। MSP ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੱਲ ਆ, ਜੇ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ, ਪ੍ਰੋਫੀਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ, ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਉਸ ਮਿਨੀਮਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹਾਲਤ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ $475 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹੈ। ਬਿਲੀਅਨ 3 ਸਿਫਰ ਐਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬਿਲੀਅਨ ਬਣਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਾਲ ਕਰਜ਼ਾਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸੁਸਾਈਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਿੱਤਾ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਲੇਬਰਰ ਬਣਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹੋ ਲਾਈਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਖੇਤੀ 'ਚੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਲੇਬਰਰ ਬਣਾ ਦਈਏ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੱਡੀ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ ਆ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨਾ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗਰਕ ਜਾਣ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੈਲ ਕਰਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਧੀ ਕਰਤੀ ਆ। ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਜੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਐਮੂਨੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਵੇਚ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੰਨਣਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰੁਝਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ? ਇਹਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਘਰਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਆ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਅਸੀਂ ਥਾਂ ਘੇਰੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਖਾਲੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਂ ਟਾਈਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘਾਵਾਂਗੇ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਦੁੱਧ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਪੀਸਫੁਲ ਰੱਖ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਨਾ ਕੋਈ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਜਿਹਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਕਰ ਜਾਓ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਸਬਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪਏ, ਸਬਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਲੰਬੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਸਬਰ ਹੈ, ਹਲੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਸਬਰ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਾਉਣੇ, ਕਿਉਂ ਵੀ ਲੰਮਾ ਵਾ, ਉਹ ਲੜਾਂਗੇ ਜੀ, ਮਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਲੜਾਂਗੇ ਜੀ, ਮਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ। ਸਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਰ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਲੰਬੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਸਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪਰਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਏ ਦਿਨ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਲੜਾਈ ਲੰਬੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲੈਣ।